हेलो लर्नर्स वेलकम टू चल तो इस वीडियो में हम नियरली 65 फाइव एम सी क्यूज जो है प्रैक्टिस करेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स से तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है दस इज आवर पार्टिसिपेशन एट डिफरेंट लेवल्स इन द लार्जर ऑर्डर ऑप्शन वैल्यू ऑप्शन बी फिजिकल एजुकेशन ऑप्शन सी एथिक्स ऑप्शन डी एजुकेशन तो यहाँ पे जो कैट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए वैल्यू वैल्यू इज आवर पार्टिसिपेशन एट डिफरेंट लेवल इन द लार्जर ऑर्डर वैल्यू मीनस क्या होता है मूल्य क्वेश्चन नंबर टू है द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन इज सीन इन टू फॉर्म्स बिहेवियर एंड तो बिहेवियर एंड वर्क होता है तो ऑप्शन बी इज दी कैट ऑप्शन तो क्वेश्चन टू में ऑप्शन बी जो है पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन द वैल्यूज आर आउटकम ऑफ डैश एंड अंडरस्टैंडिंग विच आर ऑलवेज डेफिनेट दो चीजों का आउटकम होता है वो कौन सा होता है तो एक अंडरस्टैंडिंग दिया है में, दूसरा आपको बताना है ऑप्शन में से तो दूसरा होता है रियलाइजेशन वैल्यूज आर द आउटकम ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग जब आप रियलाइज करते हो और समझते हो चीजों को तो उससे जो है वैल्यूज आती है अर्सत्व एंड लिविंग अकॉर्डिंगली वी विकम तो स्वत्व को एक्सप्लोर करके हम जब उसके अकॉर्डिंग रहते हैं तो हम क्या हो जाते हैं स्वतंत्र सेल्फ एक्सप्लोरेशन बोथ एंड भी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ जो कट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए स्वतंत्र यानी कि हम बाई एक्सप्लोरिंग और सत्य तो एंड लिविंग अकॉर्डिंगली वी बिकम स्वतंत्र हम स्वतंत्र हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ डैश इज द फर्स्ट लेवल ऑफ लिविंग तो पहला लिविंग कौन सा होता है लेवल ऑफ लिविंग कौन सा होता है फैमिली नेचर इंडिविजुअल या फिर ऑल ऑफ द तो देखिए आपने पढ़ा होगा चार लेवल हैं तो पहला लेवल होता है इंडिविजुअल फर्स्ट लेवल क्या होता है इंडिविजुअल तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा सही ऑप्शन इंडिविजुअल सेकंड लेवल क्या होता है फैमिली थर्ड लेवल होता है सोसाइटी और थर्ड फोर्थ लेवल होता है नेचर तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स सेल्फ एक्सप्लोरेशन यूज टू मैकेनिज्म डैश एंड एक्सपेरेंशियल वैलिडेशन तो आपको दूसरा बताना है कौन सा है यानी कि एक है और एक आपको एक्सपेरेंशल वैलिडेशन यहाँ पर बता दिया गया है तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन दो मैकेनिज्म यूज़ करता है तो पहला क्या होगा नेचुरल एक्सेप्टेंस नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरेंशियल वैलिडेंस यानी नेचुरली एक्सेप्टेड जो है उसको एक्सपरेंशली वैलिडेट करिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स में नेक्स्ट है समृद्धि मीनस समृद्धि का मतलब क्या होता है सभी ने पढ़ा होगा दो चीजें हैं हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी तो प्रॉस्पेरिटी क्या कहलाता है समृद्धि यहां पे जो करेट ऑप्शन हो जाएगा सेवेंथ में दैट इज ऑप्शन सी प्रोस्पैरिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्पीनेस प्लेजर और जॉय इज द डैश स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी तो आपको बताना है कि हैप्पीनेस प्लेजर या जॉय कौन सा स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पीनेस है तो ऑप्शन यहाँ पे जो कट हो जाएगा दैट इज इमोशनल इमोशनल होता है हैप्पीनेस प्लेजर या जॉय क्या है ये इमोशनल है तो ऑप्शन इज द कट ऑप्शन हैप्पीनेस प्लेजर और जॉय इज द इमोशनल स्टेट ऑफ बींग हैप्पी नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट ट्रूथ केयरिंग कंसर्न और लव एंड जस्टिस टेस अराइजेज एंड पीसिस इन डेंजर्ड यानी कि अगर ट्रुथ नहीं है केयरिंग नहीं है कंसर्न नहीं है या फिर लव नहीं है फिर जस्टिस नहीं है तो क्या चीज़ अराइज होगी वेल्थ हेल्थ कॉन्फ्लिक्ट केयरिंग तो यहाँ पर तो क्या ऑप्शन किया जाएगा ऑप्शन सी कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा और पीस जो है वो इंडेंजर्ड हो जाएगा खतरे में रहेगा सुख चैन नहीं रहेगा आपके पास तो कॉन्फ्लिक्ट ऑप्शन सी जी कैड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ स्टडी हेल्पस टू नो आवर डैश एंड हाउ टू रिमूव तो सेल्फ स्टडी जो क्या हेल्प करता है किस चीज को जानने में मदद करता है स्ट्रेंथ को वीकनेस को कोर एरिया को या फिर अपोजिटी को और उसको रिमूव भी करता है तो भाई स्ट्रेंथ को रिमूव तो नहीं कर सकते रिमूव किस को सकते हैं वीकनेस को तो यहाँ पर जो कैड्शन किया हो जाएगा सेल्फ स्टडी हेल्पस टू नो आवर वीक नेस एंड हाउ टू रिमूव ऑप्शन इज दी कैट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैस इज द स्टेट ऑफ फलर्सिंग थ्राइविंग सक्सेस और गुड फॉर्च्यून तो नीचे दिए ऑप्शन कौन सा वो स्टेट है जहां पे हम फ्लोरिश होते हैं थ्राइव करते हैं सक्सेस करते हैं और गुड फॉर्च्यून को अचीव करते हैं तो यहाँ पर जो कैट ऑप्शन होगा दट इज प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी इज द स्टेट ऑफ लर्सिंग थ्राइविंग सक्सेस और गुड फार्च्यून नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल एक्सेप्टेंस विल डेवलप तो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या डेवलप करता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन सेल्फ रेस्पेक्ट सेल्फ रियलाइजेशन या फिर नेचर तो यहां पर जो कट ऑप्शन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ

तो द ईच ह्यूमन बींग इज को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन द डैश डज नॉट अज्यूम थिंग्स नीचे दिए ऑप्शन बताना है कि कौन है जो कि थिंग्स को अज्यूम नहीं करता है ऑप्शन ए ऑप्शन बी सेल्फ ऑप्शन सी बॉडी या फिर ऑप्शन डी इंडिविजुअल तो यहाँ पे जगह क्वेश्चन किया जाएगा सभी को पता है एजम्पन की पावर किस में नहीं होती बॉडी में नहीं होती आई यानी सेल्फ या इंडिविजुअल वो अज्यूम कर सकता है लेकिन बॉडी अज्यूम नहीं कर सकता है चीजों को तो सेवनटीन्थ में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेवन बॉडी करेक्ट हो जाता है बॉडी डज नॉट अज्यूम थिंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द फीलिंग ऑफ रिस्पांसिबिलिटी फॉर नर्चिंग प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी तो नीचे दिए ऑप्शन इसमें बताना कि कौन सा है जो कि फीलिंग है कि रिस्पांसिबिलिटी फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉडी को नर्चर प्रोटेक्ट करना और राइट यूटिलाइजेशन करना संयम केयर स्वास्थ्य थॉट यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए संयम यानी कि सेल्फ रेगुलेशन सेल्फ रेगुलेशन इज द फीलिंग ऑफ रिस्पांसिबिलिटी संयम इज द फीलिंग ऑफ रिस्पांसिबिलिटी फॉर नर्चिंग नर्चरिंग प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन है वेर देर इज हार्मोनी एमॉन्ग द पार्ट ऑफ बॉडी इट इज़ नॉट जब पार्ट ऑफ बॉडी में हारमोनी होता है आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो ऑप्शन में क्या जाएगा ऑप्शन सी स्वास्थ्य नेक्स्ट है डैस इज वाइटल फॉर द स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है डिजायर संयम इमेजिनेशन या फिर नन ऑफ द वेब तो स्वास्थ्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है संयम तो क्वेश्चन ट्वेंटी में क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संयम सेल्फ रेगुलेशन जरूरी होता है स्वास्थ्य के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ द डैश सेल्फ एक्सप्लोर एंड इंटरेक्ट विद रेस्ट ऑफ नेचर तो किसके मदद से जो है सेल्फ एक्सप्लोर और रेस्ट ऑफ नेचर से इंटरेक्ट करते हैं आई बॉडी पीपल या फिर अदर तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का कैट ऑप्शन लेगा ऑप्शन बी बॉडी विद द हेल्प ऑफ द बॉडी सेल्फ एक्सप्लोर एंड इंटरेक्ट विद द रेस्ट ऑफ नेचर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द सेल्फ इज कॉन्सियस इन नेचर वाइल्ड बॉडी इज डैस इन नेचर तो सेल्फ जो है कॉन्सियस होता है उसके अंदर कॉन्सियसनेस होती है चेतना होती है बॉडी क्या होता है बॉडी फिजियोकेमिकल होता है तो ऑप्शन A physiochemical in nature. तो ऑप्शन ए हो जाएगा 22 में नेक्स्ट है 23 थर्ड द बेसिक कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इज नॉन तो बेसिक कैपेसिटी ऑफ सेल्फ क्या होता है पावर पावर यानी जहां पे आप इमेजिनेशन कर सकते हो अज्यूम कर सकते हो तो क्वेश्चन ट्वेंटी 23 में ऑप्शन डी इज द डीज ऑप्शन नेक्स्ट है द सेल्फ एंड बॉडी इंटरेक्ट विथ ईच अदर वाय द एक्टिविटी ऑफ तो जो सेल्फ और बॉडी होता है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से किसके थ्रू कम्युनिकेटिंग सेलेक्टिंग टेस्टिंग राइट अंडरस्टैंडिंग या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द वब तो ट्वेंटी में जाएगा सेलेक्टिंग टेस्टिंग सेलेक्टिंग टेस्टिंग के थ्रू जो है बॉडी और सेल्फ इंटरेक्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन वी अज्यूम समथिंग समथिंग अबाउट ऑन द प्रिवेलिंग नोशन इट इज कॉल्ड यानी कि जो प्रिवेलिंग नोशन है ऑलरेडी जो नोशन है उसके बेसिस पर आप कुछ अज्यूम करते हो तो उसको क्या कहते हैं सेंसेशन प्री कंडीशनिंग बोथ एंड भी या फिर नन ऑफ द वब तो ऑलरेडी कोई नोशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जब कुछ अज्यूम करते हो तो उसको कहते हैं प्री कंडीशनिंग यानी कि पहले से कोई चीज है उसी के हिसाब से आप अपना एजेंशन बना ले रहे हो तो ट्वेंटी फाइव में ऑप्शन भी प्री कंडीशनिंग हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मीन्स टू बी एबल टू सी द रियलिटी एज इट इज तो किसका मतलब होता है कि आप जब रियलिटी को एज इट इज देखते हो रियलिजी इमेजिनेशन थिंकिंग ऑल ऑफ द वेब तो भाई जो है उसको उसी तरीके से देखना क्या कहलाता है रियलाइजेशन ट्वेंटी सिक्स में ऑप्शन ए रियलाइजेशन इज दट ऑप्शन नेक्स्ट है ट्वेंटी सेवन बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड जब आप रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बिहेवियर शो करते हो तो उसको क्या कहते हैं सेल्फ ऑर्गनाइज बिहेवियर सेल्फ कंट्रोल बिहेवियर नेचुरल एक्सेप्टेंस या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दब जो रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस जब बिहेवियर शो करते हो तो उसको कहते हैं सेल्फ ऑर्ग्नाइज बिहेवियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ह्यूमन बींगज को एक्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड ऊपर आपने अभी देख लिया कि ह्यूमन बॉडी जो है वो किसका सेल्फ एंड बॉडी यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एजुकेशन राइट लिविंग टू तो एजुकेशन और राइट लिविंग दोनों एक साथ किस चीज को लेट करते हैं राइट अंडस्टेंडिंग एमपैथी एफेक्शन तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन में हो जाएगा राइट अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन और राइट लिविंग दोनों है तो आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग आएगी क्वेश्चन नंबर थर्टी इंश्योरिंग जस्टिस इन रिलेशनिप ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज लिस्ट टू डेस इन दोसाइटी यानी कि जब आप जस्टिस जो है वो रिलेशनशिप में इंश्योर करते हो वैल्यू के बेसिस पे तो किस चीज़ को लेकर आएगा सोसाइटी में फियर फेयरलेसनेस पीस या लव तो लेकर आएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में थर्टी में फियरलेशसनेस ऑप्शन बीज दिक एडोप्शन इंश्योरिंग जस्टिस इन रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू लिस्ट टू फेयरलेसनेस इन दी सोसाइटी क्वेश्चन नंबर थर्टी वन सुरक्षा ऑफ नेचर वाइया एनरिचमेंट प्रोटेक्शन एंड राइट यूटीलाइजेशन लिस्ट टू तो सुरक्षा ऑफ नेचर जब आप नेचर की सुरक्षा करते हो एनरिचमेंट प्रोटेक्शन राइट यूटिलाइजेशन तो क्या करता है अफेक्शन लेके आता है नेचर में लाता है नेचर में या या नॉन एग्जिस्टेंस लाता है ऑफ तो 31 में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी को एग्जिस्टेंस सुरक्षा ऑफ नेचर वाया एनरेचमेंट प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन लीड्स टू को एक्सिस्टेंस इन नेचर क्वेश्चन थर्टी टू है टेस्ट इज द फाउंडेशनल वैल्यू इन रिलेशनशिप देखिए फाउंडेशनल वैल्यू कंप्लीट वैल्यू आपने पढ़ा हुआ नाइन वैल्यूज आपने पढ़े हैं तो यहाँ पे आपको बताना कि फाउंडेशनल वैल्यू कौन सा होता है तो सभी को पता होना चाहिए थर्टी में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी ट्रस्ट हो जाएगा फाउंडेशनल वैल्यू ट्रस्ट इज द फाउंडेशनल वैल्यू इन दी रिलेशनशिप वहीं पर लव क्या होता है कंप्लीट वैल्यू होता है नेक्स्ट है थर्टी थ्री द एबिलिटी टू फुलफिल द एस्पिरेशन इज कॉल्ड तो एस्पिरेशन को फुलफिल करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं सभी को बताना चाहिए ऑप्शन बी कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस यानी आपकी क्षमता आपकी एबिलिटी को शो करता है नेक्स्ट है मीन्स राइट एवेलूशन नीचे दिए ऑप्शन इसमें बताना है कि किसका मतलब होता है राइट right एवैल्यूशन रेस्पेक्ट सेल्फ कंट्रोल प्रॉस्पेरिटी फिर ऑल ऑफ द व सभी को बताओगेगा हम जब किसी का राइट right एवोल्यूशन करते हैं तो हमारे लिए उनके लिए क्या आता है रेस्पेक्ट आता है तो रेस्पेक्ट का मतलब होता है राइट एवल्यूशन ऑप्शन इज द करेट ऑप्शन नेक्स्ट है थर्टी फाइव द फीलिंग दैट अदर इज रिलेटेड टू मी इज कॉल्ड यानी कि सामने वाला आपसे रिलेटेड है इसकी फीलिंग को क्या कहते हैं केयर फैमिली पीपल या फिर अफेक्शन तो थर्टी फाइव में ऑप्शन बी अफेक्शन कहलाता है अफेक्शन ही क्या होता है फीलिंग होती है कि सामने वाला आपसे रिलेटेड है नेक्स्ट है द फीलिंग टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ आवर रिलेटिव इज कॉल्ड यानी कि जब आप अपने आ, रिलेटिव की बॉडी को नर्चर करते हो प्रोटेक्ट करते हो तो इसकी फीलिंग को क्या कहते हैं अफेक्शन केयर ट्रस्ट या सच तो उसको कहते हैं केयर करना आप अपने घर में पर, बड़े को परिवार छोटे को केयर करते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं उनको नर्चर करते हैं उनको, है, उनको खाने पीने का ध्यान देते हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान देते हैं दैट इज केयर तो थर्टी सिक्स में क्या हो जाएगा ऑप्शन बी केयर थर्टी सेवन है इन्श्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग इन दी अदर इज कॉल्ड यानी कि दूसरों के अंदर राइट right अंडरस्टैंडिंग ले आना फीलिंग्स ले आना उसको क्या उसको क्या कहते हैं रेवरेंस अंडरस्टैंडिंग गाइडेंस से पीपल तो उसको कहते हैं गाइडेंसर्टी में ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन अदर इज कॉल्ड जब आप दूसरे के अंदर जो excellence उसको एक्सेप्ट करते हो तो उसको क्या कहते हैं फिर ग्लोरी तो थर्टी एट में एक्सीलेंस इन अदर इज कॉल्ड रेवरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्टी नाइन डेस इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट फॉर माय एक्सीलेंस आपकी एक्सपिलेंस एक्सीलेंस के लिए जब कोई एफर्ट करता है तो उसकी एक्सेप्टेंस को उसकी फीलिंग को क्या कहते हैं कंपिटेंस ग्रेटिट्यूड रिलेशनशिप या फिर ट्रस्ट जब आपके लिए कोई काम कुछ करता है तो उसको आप क्या कहते हो तो ग्रेटिट्यूड शो करते हो तो यहाँ पर जो गैट ऑप्शन किया जाएगा थर्टी नाइन में ऑप्शन बी ग्रेटिट्यूड डेस इज कंप्लीट वैल्यू पहले बता दिया कंप्लीट वैल्यू क्या होती है लव और फाउंडेशनल वैल्यू क्या होता है ट्रस्ट तो यहाँ पे फोर्टी तो में ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लव इज द कंप्लीट वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीलिंग ऑफ रिलेटेडनेस टू ऑल ह्यूमन बींगस इज कॉल्ड यानी कि सभी ह्यूमन बींग्स से आप रिलेटेड हैं इस फीलिंग को क्या कहते हैं ग्रेटिट्यूड अफेक्शन रेस्पेक्ट या केयर तो अफेक्शन यहाँ पे करट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अफेक्शन वैसे इसको लव भी कहा जाता है सोसाइटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ सोसाइटी किस चीज़ का एक्सटेंशन है ट्रस्ट का केयर का विजन का या फिर फैमिली का तो चारों लेवल आपने पढ़े हैं इंडिविजुअल फैमिली सोसाइटी नेचर तो सोसाइटी किस चीज़ का एक्सटेंशन हो जाएगा ऑप्शन सी फैमिली का देर इज डैश बिटवीन एवरी टू यूनिट्स दो यूनिट्स हैं उनके बीच में क्या होता है सभी को पता होना चाहिए स्पेस हर यूनिट के बीच

दूसरा जो है वो क्या होता है लिमिटेड में साइज में होता है वो होता है नेचर नेचर लिमिटेड होता है और स्पेस अनलिमिटेड होता है तो 45 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनलिमिटेड साइज तो ऑप्शन बी स्पेस वहीं पे 46 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेड इट साइज तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन समथिंग इज एक्टिव और एज एक्टिविटी वी कॉल इट यानी कि जब कोई चीज़ एक्टिव होता है फिर उसके अंदर कोई एक्टिविटी होती है तो उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं यूनिट ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी स्पेस इज कॉन्स्टेंट और डैश एनर्जी तो स्पेस जो है वो कांस्टेंट होता है उसमें क्या होता है इक्विलिब्रियम एनर्जी होता है एनर्जी इक्ुब्रियम होता है ऑप्शन इज दी कैट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटेरियल यूनिट आर डैश इन नेचर तो मैटेरियल यूनिट जो होते हैं वो क्या होते हैं परमानेंट होते हैं लिमिटेड होते हैं टेम्प्रोरी फिर होते हैं अनलिमिटेड होते हैं तो मैटेरियल यूनिट्स आर टेम्प्रोरी इन नेचर फोर्टी में ऑप्शन भी इज द कैट ऑप्शन टेम्प्रोरी इन नेचर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ नेचर तो देखिए चार ऑर्डर है नेचर के सभी को पता होना चाहिए पहला मेटेरियल दूसरा प्लांट तीसरा एनिमल चौथा ह्यूमन तो यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है तो फर्स्ट ऑर्डर ऑप्शन डी मेटीरियल ऑर्डर इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ नेचर द फोर्थ ऑर्डर ऑफ नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन में है तो फोर्थ ऑर्डर कौन सा हो जाएगा ह्यूमन ऑर्डर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज परस्परता मीन परस्परता का मतलब क्या होता है इंटरकनेक्टेडनेस म्यूचुअली फुलफिलिंग आर्टिस्टिक वैल्यू फिर यूटिलिटी वैल्यू तो परस्परता का मतलब होता है इंटरकनेक्टेडनेस ऑप्शन इज द ट ऑप्शन परस्पर पूरकता मींस क्या होता है परस्पर पूरकता इंटरकनेक्टेडनेस म्यूचुअली फुलफिलिंग नेचुरल या फिर म्यूचुअल ऑफ ह्यूमन ऑर्डर इज टर्म्ड एज तो, तो ह्यूमन mutual ऑर्डर प्रस्पर तो की कन्फॉर्मेंस को हम क्या कहते हैं राइट राइट वैल्यू आर्टिस्टिक वैल्यू यूटिलिटी वैल्यू नन ऑफ कन्फॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन ऑर्डर को हम कहते हैं ऑप्शन राइट वैल्यू यानी संस्कार नेक्स्ट है कन्फॉर्मेंस ऑफ एनिमल ऑर्डर इज टर्म्ड एज एनिमल ऑर्डर का

में केवल सिलेक्शन इज प्रीडोमिनेंट तो और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या करे जाएगा सिलेक्शन एंड टेस्ट ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन डेवलपिंग एथिकल कॉम्पिटेंस इन दी प्रोफेशन इज दी ओनली इफेक्टिव वे टू इंश्योर जब आप एथिकल कॉम्पिटेंस डेवलप करते हो किसी प्रोफेशन में तो किस चीज़ का किस चीज़ को इंश्योर करता है एथिकल स्टैंडर्ड को प्रोफेशनल एथिक्स को जनरल एथिकल बिहेवियर को ऑप्शन डी नन ऑफ द वब तो कैट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी प्रोफेशनल एथिक्स डेवलपिंग एथिकल कंप्यूटेंस इन द प्रोफेशन इज द ओनली इफेक्टिव वे टू इंश्योर प्रोफेशनल एथिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एथिक्स हैज बिन टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड तो एथिक्स कौन से ग्रीक वर्ड से आया है इथ्रो इथ इट्स इथोस या इथोस तो ऑप्शन डी ऑप्शन डी क्या है इथोस यानी कि कैरेक्टर इथोस का मतलब क्या होता है कैरेक्टर इस ग्रीक वर्ड से आया है एथिक्स हॉलिस्टिक प्रोडक्शन सिस्टम आर इको फ्रेंडली एंड तो जो हॉलिस्टिक प्रोडक्शन सिस्टम वो इको फ्रेंडली होता है और क्या होता है पीपल फ्रेंडली रिसोर्स फ्रेंडली टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली या फिर ना नाब लैब तो फिफ्टी नाइन में क्या हो जाएगा पीपल फ्रेंडली हॉलिस्टिक प्रोडक्शन सिस्टम आर इको फ्रेंडली एंड पीपल फ्रेंडली पीपल फ्रेंडली ऑप्शन इज दी कैट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड कैरिंग आउट द रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोफेशनल ऑटोनॉमी ऑफ डॉक्टर इन्स तो प्रोफेशनल ऑटोनॉमी मीन होता है कि आपको खुला छोड़ देना आपके पास पूरी पावर हो कि आप डिसीजन मेकिंग कर सके फ्रीडम आप आपके पास तो वो प्रोफेशनल ऑटोनॉमी कहलाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑफ राइट टू बी सेल्फ सेफ अवेयरनेस सेल्फ प्रमोशन प्रोमोशन सेल्फ गवर्नेंस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सेल्फ गवर्नेंस वाइल्ड कैरिंग आउट द रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोफेशनल ऑटोनॉमी ऑफ डॉक्टर मीज सेल्फ गवर्नेंस नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन डन ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर बेस्ड ऑन वेरियस ग्राउंड सचेज एज जेंडर रिलीजन कलर नेशनल इज़ नॉन एस तो जब आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो कर एम्प्लॉयर यानी आप रिक्रूटर हो और जेंडर रिलीजन कलर के बेसिस ऑफ एथिकल बिहेवियर का मेन कॉज क्या होता है ग्रेड करियर एडवांसमेंट बराइबरी या फिर लैक ऑफ नॉलेज तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा लैक ऑफ नॉलेज लैक ऑफ नॉलेज होती है लैक ऑफ आपको सेल्फ अवेयरनेस होती है इस वजह से आप जो अनथक बिहेवियर शो कर रहे होते हैं वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींगो नॉन एज तो ह्यूमन बैंग की वैल्यूज को हम क्या कहते हैं पूज्यता मूल्य या फिर कितना तो वैल्यू का मतलब क्या होता है मूल्य ऑप्शन दी कैट ऑप्शन नेक्स्ट है देर आर ह्यूमन वैल्यू विच आर यूनिवर्सल इन नेचर तो आ, ने ए, टेन ह्यूमन वैल्यूज़ जो है बताए हैं जो कि यूनिवर्सली नेचर होते हैं तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लीजिए ऑप्शन डी टेन वो टेन कौन कौन से हैं पावर अचीवमेंट हेडोनिज स्टमेशन सेल्फ डायरेक्शन यूनिवर्सलिज्म बेनोवेलेंस ट्रेडिशन कन्फॉर्मिटी और सिक्योरिटी तो उन्होंने ये टेन जो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू बताए थे जो universally nature कि यूनिवर्सली नेचर होते हैं जनरोसिटी इज़ ऑल्सो नॉन एज तो आपको पता कि जनरलसिटी को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं सौजा पूजता अनन्नता या फिर उदारता तो जनरल को हम कहते हैं उदारता ऑप्शन डी इज द केट ऑप्शन उदारता भी कहा जाता है जनरसि यानी कि हिंदी में जनरल को उदारता कहा जाता है